नमस्कार, मैं हूं आशु और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। गरीबी से जूझ रहा गरीब परिवार नहीं सुन रहे ग्राम प्रधान रचितराम यादव। ग्राम जनपद प्रयागराज में एक ऐसा मामला सामने आया है। जनपद प्रयागराज के विकास खंड प्रतापपुर के सोरई सुबई का पूरा से बारिश की कहर से गिर गया 70 साल पुराना घर। आपको बता दें कि यह घर करीब आज के 15 दिन पहले लगातार 3 दिन बारिश होने की वजह से सुबह को करीब 4 बजे गिर गया और उसमें रखा घरेलू सामान का नुकसान हो गया। जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन घरेलू सामान की कीमत करीब 50 से 60 हज़ार के बीच की है। आपको बता दें कि उमा शंकर यादव पुत्र महादेव यादव न्याय गरीब परिवार के हैं। ऐसे गरीब परिवार को सरकार द्वारा आवास मुहैया नहीं कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम होने के बाद भी नहीं दिया गया यह आवास। उमा शंकर यादव के 5 लड़के हैं जो कि बेरोजगार हैं। उमा शंकर का आरोप है कि जब ग्राम प्रधान को सूचना दी गई तो ग्राम प्रधान रचित राम यादव मौके पर नहीं आए और प्रधान ने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है। और वहीं जब नेकपाल को सूचना दी गई, नेकपाल मौके पर आकर उसका निरीक्षण किया और आगे की रिपोर्ट अग्रेषित किए गए। उमा शंकर यादव, क्या समस्या है आपकी? समस्या है, घर द्वार का है, गिरा पड़ा है। ये एड्रेस बताइए, पूरा यहाँ पता बताइए। एड्रेस सोरो सुबई के पूरा। हाँ, ये घर कब गिरा है, कितने दिन पहले? अरे 10-15 दिन पहले। 15 दिन पहले? हाँ, बारिश हुई। कितने दिन लगातार बारिश हुई थी? बारिश हुआ 2-3 दिन। 2-3 दिन बारिश होने में सुबह शाम को कभी गिरा था ये घर? सुबह शाम को। घर कभी गिरा था, रात को या दिन में? रात को तो बता रहे हैं ना, सुबह 4 बजे। हाँ, 4 बजे ना। हाँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों का भी नुकसान हुआ है? जानमाल का कोई खतरा हुआ? जानमाल का नहीं हुआ है, गेहूं चावल का हुआ। अच्छा, घरेलू सामग्रियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कितनी लागत होगी उस सामान की? आपकी जो घरेलू सामग्रियाँ नुकसान हुए, कितनी लागत होगी? कम से कम जो घरेलू सामग्रियों का नुकसान हुआ होगा वो पैसों में कितनी कीमत है उसकी? 60-70 हज़ार। अच्छा, आपका घर गिरा है, घर गिरने के बाद आपने ग्राम प्रधान को सूचना दिया? हाँ, ग्राम प्रधान को सूचना दिया गया। क्या ग्राम प्रधान आए ही नहीं? क्या बोले आपसे? क्या बोले? कुछ तो उत्तर मिला होगा उनकी तरफ से, कुछ तो बोला गया होगा कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ के ग्राम प्रधान का नाम बताइए। राजीव राम। जब आप उन्हें सूचना दिए हैं, सूचना देने के बाद क्या रिप्लाई मिला आपको? आप आए नहीं। कुछ बोले थे आपको? अब बोले हमसे कोई मतलब नहीं, हम क्या जाने। अच्छा ठीक, क्या नाम है आपका? रेखा। क्या समस्या है? घर गिर गया है। कितने दिन से घर गिरा? कितना दिन पहले? एक हफ्ता। 10 दिन? वो 15 दिन बता रहे हैं, 15 दिन हो गया। हाँ। अच्छा, ये बताइए, प्रधान को आपने सूचना दिया था? हाँ, सूचना दिया तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। हाँ। ये जब घर गिरा था, किसी को कुछ नुकसान हुआ है? गेहूँ चावल ये नुकसान हुआ, मनाई के ऊपर कुछ नहीं। अच्छा ठीक, क्या नाम है आपका? मदनी यादव। गांव का नाम बताइए। सोरो सुबई पूरा। ये घर कब गिरा है? घर 1 हफ्ता 15 दिन हो गया साहब, बारिश हो रही थी। 2 दिन बारिश लगातार हुई, बारिश के दरमियान गिर गया। आप लोग कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं। क्या नाम है, सबका नाम बताइए। मेरा नाम मदन है, रमेश, सुरेश, सुबेदार, नन्हे। अच्छा, आप लोग कहीं नौकरी करते हैं? नौकरी सर अभी बम्बई गए, अभी नौकरी धंधा अभी कुछ नहीं। और बाकी जो आपसे छोटे लोग हैं वो लोग भी कुछ नहीं कर, कुछ नहीं, मतलब सारे के सारे लोग बेरोजगार? हाँ, बेरोजगार। अच्छा, तो इसके संबंध में जो आपका घर गिरा है, घर गिरने के बाद आपने प्रधान को सूचना दिया था? हाँ, सूचना दिए थे सर। क्या बोले वो फोन गया, फोन जाने के बाद उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बोले हमसे। नेकपाल को सूचना दिए? हाँ, लेखपाल को सूचना। नेकपाल आए थे? लेखपाल भी आए। हाँ, नेकपाल आया था। हाँ, लेखपाल आया था सर, रिपोर्ट लगा दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? सीता। आपके पति का नाम? क्या करते हैं वो? कहाँ पे? अच्छा, ये बताइए, ये घर कभी गिरा है? 15 दिन पहले गिरा है। हाँ। यहाँ पे प्रधान आया था? प्रधान के फोन किया गया, प्रधान नहीं आया। नेकपाल आए थे? हाँ, नेकपाल आया था। अच्छा, यहाँ पे जो घर गिरा है इसमें कितना नुकसान हुआ होगा कम से कम? चावल वाल, दाल वाले सब लोग, यही सब चीज़ का नुकसान हुआ ना, और कुछ नुकसान नहीं हुआ? नहीं।